Now we are starting the 8th session of 12.2 exercise class 10th हमारे पास चल रही है. A horse is tied to a peg. एक हॉर्स को एक पैग में बांधा गया है. पैग आप समझते होंगे, वो वाला पैग नहीं, आपको एक खूंटी वाला पैग समझना है. तो पैग एट ए कॉर्नर, आपको कॉर्नर पे ये पैग है ऑफ ए स्क्वायर ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर. तो 15 मीटर ये आपका स्क्वायर साइड है और यहाँ पर आपने घोड़े को 5 मीटर की रस्सी से बांधा है. अब आपने घोड़े बेचारे को 5 मीटर की रस्सी से बांधा है तो 15 मीटर में तो घास खा नहीं सकता, आपके लिए वो घास सिर्फ यहां तक खाएगा. बात समझ रहे हैं? तो हमसे पूछ रहा है द एरिया ऑफ द हॉर्स कैन ग्रेज. तो एरिया ऑफ द हॉर्स कैन ग्रेज कितना होगा? वो होगा हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर. और एरिया ऑफ द सेक्टर आपके पास क्या होता है, आपको अच्छे से फॉर्मूला याद है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. ब्रदर थीटा कितना है इसमें, स्क्वायर में कितना थीटा होता है, 90 होता है ना, 90 अपॉन 360. और आपके पास फाई कितना है, शुरू में बोल चुका है 3.14 यूज करना है. और आर आपके पास है 5 × 5, 0 से 0 काट लो, 94 जाइए आपके पास आ गया है. तो 3.14 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 4, इसकी 25 से मल्टीप्लाई करिए 78.5/4, इसको आप डिवाइड करेंगे ना, इसका आंसर लगभग आई थिंक 19.62 करीब इतना आता है. आप एक्यूरेट कर लेना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. ये समझ में आ रहा है? हम आगे चलते हैं. द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया में 19.62 को याद रखना, तो 19.62 का यूज करना होगा हमें. तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, तो ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप चलिए ग्रेजिंग एरिया का इंक्रीज अगर उसकी रस्सी 10 मीटर की कर लो, तो 10 मीटर की आप उसकी रस्सी करोगे तो ये लीजिए, ये लीजिए, यहां तक घास चलेगा. वो अब यहां तक घास चलेगा तो वो कह रहा है इंक्रीज कितना हुआ है, इतना इंक्रीज हुआ है ना, जहां पे मैंने प्लस प्लस लगाया है ये हिस्सा इंक्रीज हुआ है. तो ये हिस्सा आप कैसे निकालेंगे, आपके पास अब एक तरह से एक बड़ा सेक्टर है, बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर घटा देंगे और छोटा सेक्टर आपके पास कितना आया था, 19.62 आया था. 19.62 को आप बड़े सेक्टर में से घटाएंगे तो आपके पास इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा. तो हम यहां लिखेंगे इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया. तो ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज होगा ब्रदर, आपके पास थीटा अपॉन 360, 90 अपॉन 360, पाई यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई 5 × 5, ठीक है, नहीं 10 × 10 लो, क्योंकि बड़ा वाला तो 10 है ना, 10 × 10 माइनस करोगे 90 अपॉन 360, छोटा वाला जो सेक्टर था, मल्टीप्लाई 3.14 × 5 × 5. समझ रहे हो, ये पूरा तो सोल्व होके कितना आ गया था, ये आ गया था 19.62 आया था, ठीक है. अच्छा इसको जो है आप सोल्व कर लीजिए, आपने 94 जो यहाँ पे 16 आ गया है, तो ये हो गया इसकी 100 से मल्टीप्लाई 340 अपॉन में कितना आ गया, 4 है यहाँ पर, और आप इसे 4 से डिवाइड करोगे 78.5 आपके पास ये इतना आ जाएगा, माइनस 19.62 आपके पास है. और आप इसको माइनस करिए तो माइनस करके आपके पास 58.87 के करीब या 88 के करीब आपके पास ये सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर पे है आपका, इतना एरिया इंक्रीज हो जाएगा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, समझाने का तरीका, पढ़ाने की स्टाइल अच्छी लगी है, तो जरूर मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को. और अगर आप थैंक यू कहना चाहते हैं मुझे, दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं सच में, तो आप 1 रुपीज मेरे को डोनेट कीजिए, मेरा पेटीएम ये अकाउंट है. थैंक यू वेरी मच.